तो चलो बच्चों, हम लोग आज की क्लास में ये सीखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। ओके, सो एक हमारे पास क्वेश्चन है, राइट? ये क्वेश्चन हमारे को गिवन है, राइट? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये टेबल है। यहाँ पे ये कह रहा है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब आप लोग समझ रहे हो, राइट? ये हम लोग करते आ रहे हैं क्लास 9-10 से। ये 0 से 10 हमारा क्लास इंटरवल है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नौ बच्चे, यहाँ पे हम लोग इसे ग्रुप्ड डेटा क्यों कहते हैं, इसका मीनिंग जरा सा हम लोग समझने की बातें करते हैं, राइट? मीनिंग समझते हैं कि भाई ये ग्रुप्ड डेटा क्या है। देखो, यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक का हमारा ये क्लास इंटरवल है। अब इस क्लास इंटरवल में हमारा डेटा कितनी बार अकर हो रहा है, उसे मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ? यहाँ पे लिखा है, डेट इज़ अ फ्रिक्वेंसी, राइट? हो सकता है कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 5, 8 ऐसा कुछ आ रहा हो। तो जो भी डेटा 0 से 10 के बीच में फॉल हो रहा था, वो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना था? 8 था। जो डेटा 10 से 20 के बीच में फॉल हो रहा था, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या था? 12 था। सिमिलरली, 20 to 30 के बीच में फॉल होने वाले जो डेटा थे, दैट इज 10 एंड देन 11 एंड 9, राइट? नौ बच्चों, तो जितनी बार डेटा इस इंटरवल में फॉल होता है, लेट सपोज यहां पे क्या है, ये 8 है, तो 8 क्या है? इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है, राइट? फ्रीक्वेंसी सिंपल मीनिंग क्या है इसका, कि कितनी बार डेटा ये हमारे को अकर होता है। नौ बच्चे, एक बात को समझते हैं जरा सा, कि जैसे ये क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 0 से 10, इसे हम लोग बोलो क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, राइट? इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपर लिमिट, ठीक है? अपर लिमिट। नाउ एक और टर्म आता है यहाँ पे, वो है क्लास मार्क, ठीक है? क्या नाम है जी? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो ये सिंपली हमारा क्या होता है? क्लास मार्क होता है। तो लेट सपोज अगर क्लास मार्क की मैं बात करूं, 0 से 10 वाले इंटरवल का क्लास मार्क क्या है, तो उसका क्लास मार्क हो जाएगा 0 से 10 के लिए 0 + 10 / 2, डेट इज 5। क्लास मार्क फॉर दिस इंटरवल बोलो क्या हो जाएगा? 10 + 20 / 2, राइट? तो बोलो कितना आ गया? 15 / 2, सॉरी बच्चों, यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा? 30 / 2, डेट इज 15। तो ये क्लास मार्क की बातें हो गई। नाउ हमारे को इस क्वेश्चन के लिए मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए अब हमारे को एक प्रॉपर टेबल बनाना पड़ेगा। अब इस टेबल को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो मेरे टेबल को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, राइट? और मैं कैसा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, फिगर कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक? चलो बच्चे, यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास इंटरवल, राइट? क्लास इंटरवल के बाद मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद मैं लिखूंगा क्लास मार्क। मैं मानता हूं कि आपको दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं है। क्लास मार्क के बाद, चलो बच्चे, तो क्लास इंटरवल हो गया। मैं अब यहां पे लिख देता हूं क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट? फ्रीक्वेंसी 8, 12, 10, 0 से 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है, एंड देन 12 है, देन 10, 11 एंड 9, ठीक है बच्चों? नाउ अब क्लास मार्क की बातें कर लेता हूँ मैं। क्लास मार्क क्या होगा? इनका जस्ट मिडिल वैल्यू निकाल लो, 0 से 10, जस्ट इनको ऐड करो, 10 बाई 2, 5, 10 to 20, 30
30 हो गया इनका सम, 20 प्लस 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 15, 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाई 2 45। क्लास मार्क को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक्स आई से, ठीक है। नाउ अगर लास्ट वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो मैं क्या करता था एक्स आई को, राइट, वहाँ पे तो डिस्क्रीट डेटा गिवन था, यहाँ पे हमारे पास क्लास मार्क है। नाउ अब देखो डेटा 0 से 10 इंटरवल में है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं 0 से 10 में कौन से एग्जैक्ट वैल्यू लूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो ले नहीं सकता, और कोई यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि डेटा कोई एक ही वैल्यू, 0 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच की वैल्यू ले लेते हैं, राइट, एक इसका मिडल वैल्यू ले लेते हैं डेट इज क्लास मार्क, ठीक है। तो इसका मिडल वैल्यू क्लास मार्क को ही हम एक्चुअल डेटा मान लेते हैं, राइट, कि यहाँ पे क्लास मार्क मेरा 5 है और 5 डेटा कितनी बार अकर कर रहा है, 8 टाइम्स अकर कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स आई एफ आई फाइंड करेंगे, एक्स आई एफ आई बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, 12 एंड देन 15 को मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 180, 25 को 10 से करो 250, 35 को 11 से करो तो 350 प्लस 35 385, 45 को 9 से करो तो 450, 45 405, करेक्ट। तो ये हमारे को क्या मिल गया, एक्स आई एफ आई की वैल्यू मिल गया। एक्चुअली में हमारा डेटा अब ये हो गया, जब ग्रुप्ड डेटा, जब डेटा हमारा इंटरवल में हो, हमारे को एक क्लास इंटरवल हो हमारे पास, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एग्जैक्ट डेटा हमारे को बनाना पड़ता है। अब वो डेटा 0 से 10 में मैं कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं लेते, हम लोग एस्टिमेट करके क्लास मार्क उसकी मिडिल वैल्यू ले लेते हैं। अब हम मानते हैं कि ये 5 8 टाइम्स आया है, तो टोटल हमारे डेटा का सम कितना हो गया 40, इन द सेम वे 15 हमारा 12 टाइम्स आया है तो इनका सम बोलो कितना हो गया 180, राइट। नाउ बच्चे अब हमारे को इसका मीन फाइंड करना है, मीन के लिए हमारे को पता है कि क्या होगा, उससे पहले सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, मैं इसे लिख देता हूं एफ आई, समेशन एफ आई बोलो कितना हो जाएगा सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो बोलो 20 30 20 50, सो सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया 50। नाउ समेशन ऑफ डेटा, राइट, वो है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का अगर मैं सम करूंगा तो यहां पे मैं ऐड करता हूं, ये कितना हो गया 790 840 940 1040 1080, ये हो गया 1260, राइट, 1260। आप लोग ऐड कर सकते हो, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है बच्चों। नाउ अब हमारे को निकालना है मीन, अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन होता है सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो बच्चे इसी बात को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द डेटा को समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, समेशन एफ आई, मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, सम ऑफ ऑल द डेटा को समेशन एफ आई एक्स आई लिखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ डेटा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू बोलो कितना था 1260 डिवाइडेड बाई ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सो दिस इज 50 00 कट 25.2, सो हमारे को मीन बताओ कितना मिल गया 25.2। सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था ग्रुप्ड डेटा के लिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, एंड नोट डाउन करना है तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं।